द आयरनसाइड कॉस्ट। आयरनसाइड नाम का ये जहाज पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया था और इसका मुख्य काम था थोड़े बहुत पैसेंजर्स और बहुत सारा कार्गो इधर उधर करना। इसे सबसे पहले सन 1864 में लॉन्च किया गया। ये जहाज अपने समय में यात्रा करने का सबसे शाही जहाज माना जाता था। इस जहाज के अंदर 44 कमरे, बहुत सारे झूमर, बहुत सारे बाथरूम और यहाँ तक कि हर बाथरूम में गर्म पानी भी मौजूद था। और क्या आपको पता है कि उस समय में इस जहाज में गर्म पानी बहता था, लेकिन तब के ज़्यादातर घरों में ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन इस जहाज का यही शाहीपन इसको ले बैठा, क्योंकि जहाज लकड़ी का बना हुआ था और पानी अब इसमें लीक करने लग गया था। जब भी जहाज में से कार्गो उतारा जाता, तब तक पूरा कार्गो पानी में भीगा हुआ मिलता, जिसके बाद इस जहाज के लिए अफवाहें उड़नी शुरू हो गई कि ये जहाज समुद्र को नहीं झेल सकता। सब मान रहे थे कि इसमें बहुत जल्द एक बड़ा हादसा देखने को मिलेगा। जो क्रू मेंबर्स इस जहाज को चलाते थे, वो भी ये मान रहे थे कि इस जहाज को एक पूरी तरह से सर्विस की जरूरत है। लेकिन इस जहाज के मालिक को उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो अपने और धंधों से पैसे कमाने में व्यस्त था। सन 1872 में इसके मालिक ने इस जहाज की एक झूठी रिपोर्ट पैसे देकर बनवा दी, जिसमें ये घोषित किया गया कि ये जहाज समुद्र में चलने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन 13 सितंबर 1873 का दिन आयरनसाइड के लिए अंतिम दिन बनकर आया, क्योंकि उस रात एक बहुत बड़े तूफान में वो फंस गया। 6-6 मंजिला ऊंची लहरें जहाज के ऊपर टूट पड़ी, जिससे ये जहाज भी टूट गया। पूरे जहाज में पानी भरने लगा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी अंदर भरते हुए पानी को नहीं रोका जा सका। और सुबह होते होते अंदर मौजूद लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका था। आप सोच रहे होंगे कि सुबह होते होते तो रेस्क्यू टीम यहां पहुंच चुकी होगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि दहलते हुए तूफान में कोई और जहाज जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस जहाज में कुल टोटल 5 लाइफ बोट्स मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से उन 5 में से 3 लाइफ बोट बीच रास्ते में ही समुद्र में डूब गई और सिर्फ 2 ही किनारे तक पहुंच पाई। शाम होते होते दर्जनों लाशें समुद्र के उस हिस्से में तैरती हुई मिली, और तब से ही यहां आसपास रहने वाले लोग ये कहते आए हैं कि उन्हें उन मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वो आज भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। द पीटर आयडेल। पीटर आयडेल को मैरीलैंड में सन 1890 में तैयार किया गया था। इसे ब्रिटिश की एक शिपिंग कंपनी इस्तेमाल कर रही थी और बदकिस्मती से इस जहाज की जिंदगी भी बहुत छोटी रही। 26 सितंबर 1906 के दिन ये जहाज मेक्सिको के सेलिना क्रूज से पोर्टलैंड ओरेगन के लिए निकला। उसे पोर्टलैंड ओरेगन से अपने अंदर गेहूं भरकर यूनाइटेड किंगडम तक पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये जहाज घने कोहरे में फंस गया। आगे कुछ ना दिखने की वजह से ये जहाज धीरे धीरे कोलंबिया नदी पर पहुंचने लगा, और तब 25 अक्टूबर के दिन ये जहाज सुबह सुबह इस नदी के पास ही बने ब्रेकर्स में जा टकराया। इन ब्रेकर्स में टकराने के बाद ये जहाज पानी से बाहर निकल आया और लहरें इसे क्लैटसॉप बीच तक ले आई। लेकिन इस बीच पर आने से पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस जहाज को बचा लिया जाएगा, लेकिन लहरों ने इसे इतनी जोर से किनारे पर लाकर पटका कि इसके 3 टुकड़े हो गए, और मजबूरन तभी जहाज को लावारिस छोड़ना पड़ा। इस केस में किस्मत से कोई भी क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ। उन्होंने समय रहते मदद के लिए फ्लेयर गन वगैरह चला दी, जिसके बाद पास ही गुजर रहे जहाज के द्वारा उन्हें बचा लिया गया। लेकिन ये जहाज अब तक लावारिस छूट चुका था, और तब से लेकर आज तक ये जहाज बिल्कुल उसी जगह पर पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। आज भी ये जहाज पूरे ओरेगन की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बदकिस्मती से आज इस जहाज के ढांचे में कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ। पूरे एक शतक तक इस जहाज ने समुद्र के खारे पानी की मार झेली है। आप यहां आज इसे इस हालत में देख सकते हैं। लोग यहां आकर उसकी कहानी को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते। एमवी लायोबोव ओर्लोवा। ये माना जा रहा था कि एमवी लायोबोव ओर्लोवा पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे लग्जरी साधनों में से एक है, लेकिन इस जहाज पर जिन्होंने हमला किया उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चूहों की। यकीन मानिए, वो चूहे आज इस जहाज के लिए भूत बनकर सामने आए और पूरे जहाज को ही भूतिया बना डाला। इस जहाज को सन 1973 में बनाया गया था, और ये माना जा रहा था कि ये जहाज इतना शक्तिशाली है कि ये दुनिया के हर कोने में जा सकता है, खासतौर पर अंटार्कटिका के पास। लेकिन सन 2006 में ये जहाज अंटार्कटिका में ही पानी से बाहर निकलकर तट पर आ गया, जिसके बाद इसे फिर से टो करके नॉर्थ अमेरिका तक लाया गया, जिसके बाद सन 2010 में इस जहाज को कनेडियन सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि इसके मालिकों ने इस पर लिया गया लोन नहीं भरा था। पूरे 2 सालों तक ये जहाज कनाडा की एक सरकारी बंदरगाह पर खड़ा रहा, जिसके बाद इसे फिर से किसी दूसरी पार्टी द्वारा खरीदा गया। अब जिसने इसे दोबारा खरीदा था, वो उसे कनाडा से डोमिनिकन रिपब्लिक तक टो करके ले जा रहे थे। लेकिन जो
जहाज इस जहाज को रस्सी से खींच कर ले जा रहा था वो रस्सी ही बीच में से टूट गई, जिसके बाद ये जहाज अपने आप ही समुद्र के बहाव पर बहने लगा। लेकिन जिस कंपनी ने इसे खरीदा था वो बाद में बता रहे थे कि जब कनाडा की सरकार से उन्होंने इसे लिया तो उस पर पूरी तरह से चूहों का कब्जा हो चुका था। ये जहाज आज भी कहीं ना कहीं समुद्र में तैर रहा होगा, ये कोई नहीं जानता कि वो आज कहाँ है। लोग कहते हैं कि आज भी उस पर चूहे भूत बनकर घूमते होंगे। सन 2014 में ये जहाज एक बार फिर से सुर्खियों में आया जब इसे एक बार फिर से ब्रिटेन के एक तट के पास से गुजरते हुए देखा गया, जिसके 2 साल बाद स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों ने एक बेहद डरावना लेकिन बिल्कुल उसी रंग रूप का जहाज पानी में तैरता हुआ देखा। और फाइनली सन 2017 में जहाज कैलिफोर्निया के तट के पास एक बार फिर से टकराया, लेकिन टकराने के बाद ये जहाज ज्यादा समय तक यहां भी नहीं रहा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और 2017 के बाद से अब तक कोई नहीं जानता कि ये समुद्र में कहां है और कहां तैर रहा है या फिर अंदर ही कहीं डूब गया। द फ्लाइंग डचमैन। अब जिस जहाज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो कहानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही पूरी दुनिया में घूम रही है। इस जहाज की कहानी शुरू होती है इस जहाज पर काम करने वाले सेलर्स के एक बयान से, जब उन्होंने कहा कि उनको रास्ते में एक भूतिया जहाज दिखाई दिया। जी हाँ, उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं था, इसलिए किसी ने भी इस बात पर यकीन ही नहीं किया। और ये कहानी सुनाते ही बदकिस्मती से फ्लाइंग डचमैन जहाज भी रहस्यमय रूप से समुद्र में ही कहीं गायब हो गया और पूरे 250 सालों का समय बीता। इस जहाज को किसी ने याद तक नहीं किया और हाल ही में इसकी बात छिड़ी क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई जिसमें कहा गया कि फ्लाइंग डचमैन नाम का कोई जहाज इस दुनिया में था ही नहीं। क्या इसका मतलब ये था कि दुनिया के सबसे भूतिया जहाजों में गिना जाने वाला फ्लाइंग डचमैन दुनिया के 7 समुद्रों में से एक में भी कभी तैरा नहीं? कहानी के मुताबिक ये कहा जाता है कि फ्लाइंग डचमैन यूरोप से एशिया की यात्रा पर निकला था। उसके कैप्टन उस समय हेंड्रिक डेकन नाम के एक व्यक्ति थे और उन्हीं का निकनेम डचमैन भी था। उन्होंने एम्स्टर्डम के तट से ईस्ट इंडीज की तरफ यात्रा करी और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने जहाज में मसालों को लोड करा और उनका काम था अब जहाज को वापस नीदरलैंड तक लेकर आना। ये समय था सन 1641 का, लेकिन तभी इस यात्रा के बीच में भयंकर तूफान आया। इस तूफान को देखकर जहाज पर मौजूद सारा क्रू बहुत ज्यादा डर गया सिवाय हेंड्रिक डेकन के, और सभी हेंड्रिक डेकन के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो प्लीज इस जहाज को फिर से मोड़ ले, लेकिन हेंड्रिक ने उनकी नहीं सुनी और वो सीधा अपने जहाज को लेकर समुद्री तूफान में कूद पड़ा। ये जहाज इतना मजबूत नहीं था कि उस तूफान से लड़ सके और मजबूरन समुद्र में ही वो जहाज डूब गया, जिसमें उस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। ये वो कहानी थी जो आज तक हम द फ्लाइंग डचमैन के बारे में सुनते आए हैं। सन 1790 के बाद से बहुत से लोग ये बोलते आए हैं कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को देखा है और वो बताते हैं कि आज भी वो जहाज बिल्कुल उसी हालत में समुद्र में कहीं तैर रहा है। उसके ऊपर मौजूद क्रू मेंबर्स आज भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। शिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सबसे भूतिया जहाजों में कुछ गिने चुने ही नाम आते हैं और उनमें से ही एक है न्यूयॉर्क में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के नीचे मिला ये जहाज। जी हाँ, जुलाई 2010 में इस बिल्डिंग को फिर से बनाने का काम चल रहा था और जैसे ही खुदाई में ये सामने आया तो वहाँ मौजूद कोई भी वर्कर इस पर विश्वास नहीं कर पाया। ये जहाज तकरीबन 7 मीटर लंबा था। तुरंत इतिहासकारों को मौके पर बुलाया गया जिन्होंने इसके सैंपल्स लिए। वो इस जहाज का डिजाइन देखते ही समझ गए कि इस जहाज को जरूर सन 1773 के आसपास फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में बनाया गया होगा। इस जहाज को बनाने में पूरी तरह से ओक के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। चलो, इस जहाज का इतिहास जो भी रहा हो, तब कोई ये समझ नहीं पाया कि ये जहाज समुद्र को छोड़कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के नीचे कैसे पहुंचा। जब वैज्ञानिकों ने इस जहाज की पूरी खुदाई करी तो उन्होंने यहाँ से जानवरों की कई हड्डियां, कुछ कांच की प्लेट, बहुत सारे जूते उन्हें यहाँ से खुदाई में मिले। ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क का पूरा इलाका और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दलदल हुआ करता था, जिसके बाद धीरे धीरे उस दलदल में लोग अपना कूड़ा इकट्ठा करके फेंकने लग गए और वो भरने लगा। और क्या आपको पता है कि आज पूरा का पूरा मैनहट्टन और उसका तट उसी कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है। बदकिस्मती से अभी तक उस जहाज का मुख्य कारण कि उसे क्यों बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। द हेलवेटिया। यकीन मानिए, हेलवेटिया नाम का यह जहाज एक समय पर नॉर्वे की शान हुआ करता था और वो नॉर्वे से ही अपना सामान लेकर अपनी यात्रा के लिए भरा था, पर आज उस जहाज में कुछ खास बचा हुआ नहीं है। जो बचा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको असलियत में इस जहाज के अवशेष देखने हैं तो आपको वेल्स की रहौसी बीच की तरफ जाना पड़ेगा।
इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे ये जहाज एक जहाज कम बल्कि किसी डायनासोर या फिर किसी बहुत बड़े जानवर की कंकाल जैसा ज्यादा लगता है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब यहाँ पर टाइड चला जाता है तभी ये जहाज समुद्र से बाहर निकलता है, जब टाइड यहाँ मौजूद होता है तब यहाँ इसे कोई नहीं देख पाता। ये जहाज सन 1887 में कनाडा से यूके की तरफ अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन ये वहीं बीच में डूब गया। इसके ऊपर कुल टोटल उस समय 500 टन टिम्बर की लकड़ियों का कार्गो भरा गया था। और क्या आप ये बात मानेंगे कि इस पर मौजूद क्रू मेंबर्स अपने घर से सिर्फ 5 मील दूर थे, लेकिन तभी उनके रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया और उनको ये पहाड़ या फिर मैं कहूँ छोटा मोटा आइलैंड ही होगा वो उन्हें दिखा नहीं, और रात के अंधेरे में उन्होंने अपना जहाज उसके अंदर दे मारा। लेकिन सुबह होते होते जैसे उनको पता चला कि उनका जहाज़ इस तरह से टक्कर मार गया है तो उन्हें पता चला कि अब उनका जहाज़ जो है वो समुद्र के बहाव में ही अपने आप चल रहा है और अब वो तट से तकरीबन 10 मील दूर हो चुके हैं, जिसके बाद वो जहाज़ अपने आप ही पानी के बहाव से चलते हुए एक बीच पर जा पहुंचा जिसे आज हम रहोसी बीच के नाम से जानते हैं। मजबूरन इस जहाज़ को क्रू मेंबर्स द्वारा लावारिस छोड़ा गया। समय की मार और पानी की मार के साथ साथ प्रकृति की मार की वजह से ये जहाज़ पहले कुछ और था, पर आज इसका सिर्फ यही हिस्सा बचा हुआ है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट फैक्ट एक्सप्रेस को एंड कमेंट पिक वीडियो गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।